Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 की फिल्म कॉन टिकी के बारे में, जो नॉर्वेजियन एडवेंचरर थॉर हायरडाल की जिंदगी पर आधारित है, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों के अतीत को जानने के लिए और अपनी एक थियोरी को साबित करने के लिए 5000 मील का सफर तय किया। नॉर्वे में रहने वाला थॉर बचपन से ही एक ऐसा लड़का था जो एडवेंचर की खोज में घूमता फिरता रहता था। उसके दोस्त और माता पिता उसकी इस जिद और निडर हरकतों से परेशान थे, पर अपने माता पिता के लाख समझाने के बावजूद थॉर बड़ा होकर एक एडवेंचरर बना। वो नई जगह और नए लोगों की खोज करता रहा और उसकी इस खोज में सालों बाद उसकी पत्नी लिव भी उसका साथ देने लगी। वो दोनों अलग अलग एडवेंचर से खुश तो थे, पर थॉर दिन पे दिन और एम्बिशियस होता जा रहा था। उसके इसी एम्बिशन की वजह से वो लिव से दूर होने लगा था और फिर कुछ सालों बाद लिव और थॉर एक साथ पॉलिनेशिया आइलैंड पर रहने लगे। उस आइलैंड के लोगों का कहना था कि उनके पूर्वज ईस्ट की तरफ से आए थे, जबकि दुनिया ये मानती है कि वो एशिया यानी कि वेस्ट की तरफ से आइलैंड पर आए हैं। थॉर से कहा गया कि कुदरत का हर बहाव ईस्ट की तरफ से सूरज की दिशा में आता है और उसी दिशा में सूरज का पीछा करते हुए वो लोग वहां पहुंचे। उस रात थॉर को आइलैंड पर टिकी की मूर्ति मिली, जो वही भगवान है जिन्हें साउथ अमेरिकन लोग पूजते हैं। और ये जानकर कि पॉलिनेशिया में उसके पूर्वज आए थे, थॉर ने ठान लिया कि वो इस सच की गहराई में जाएगा। 10 सालों तक उस आइलैंड पर सबूत ढूंढने के बाद 1946 में वो कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क आया और उसने अपनी थियरी लोगों तक पहुंचाई। पब्लिशर्स का कहना था कि पॉलिनेशियस के पूर्वज यानी कि टिकी ईस्ट से इतना लंबा सफर तय ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास नाव थी ही नहीं। पर थॉर का मानना था कि वो किसी नाव पर नहीं बल्कि लकड़ियों के एक राफ्ट पर सफर करके आए थे। थॉर को अपनी ये थियरी साबित करने के लिए खुद एक छोटी सी राफ्ट के साथ 5000 मील का सफर तय करना पड़ रहा था और वो इसके लिए तैयार था। वो इस अभियान से ये साबित करना चाहता था कि महासागर कोई रुकावट नहीं बल्कि एक रास्ता बनाता है, और 1500 साल पहले साउथ अमेरिका के लोगों ने पॉलिनेशिया तक सफर तय किया था। ये सब कुछ कहने के बावजूद थॉर को किसी पब्लिशर से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि इस सफर पर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा था। उसने खुद ही सफर की तैयारी शुरू कर दी, पर उसके साथ जाने के लिए कोई सेलर भी तैयार नहीं था। इस अभियान की बातें हरमन नाम के इंजीनियर ने सुन ली और उसने थॉर की राफ्ट को एक बेहतर डिजाइन दिया। हरमन वो पहला आदमी था जो थॉर का इस अभियान में साथ देना चाहता था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा और सिर्फ रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। वो दोनों पीटर नाम के एक डैनिश एक्सप्लोरर के पास गए, जिससे बात करके उन्हें हिम्मत मिली। पर उस रात बातें करते हुए थॉर ने हरमन को समझाया कि उन्हें इस सफर पर बचाने के लिए महासागर के अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। लिव थॉर का अपने बच्चों के साथ इंतजार कर रही थी, पर जब उसे थॉर ने सच बताया तो वो बिल्कुल खुश नहीं थी। वो जानती थी कि इस सफर में थॉर की जान जा सकती है, पर थॉर उसके कहने पर भी नहीं रुका। 1947 में थॉर और हरमन पेरू गए, जहां वो टॉरस्टेन और नूट नाम के दो रेडियो ऑपरेटर से मिले। वो एरिक से भी मिले, जो बचपन से थॉर का दोस्त है, और वो पांचों टिकी की तरह एक राफ्ट पर सफर तय करने की तैयारी करने लगे। थॉर ने जब पेरू के प्रेसिडेंट को बताया कि वो साबित करना चाहता है कि पॉलिनेशिया की खोज पेरू के लोगों ने की है, तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया और उन्हीं की मदद से थॉर ने सफर के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लिए। बेंट नाम का एक स्वीडिश एथनोग्राफर थॉर का साथ देना चाहता था और वो उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाने में उनकी मदद कर रहा था। कई महीनों की मेहनत के बाद थॉर की टीम ने अपना राफ्ट बना लिया। सफर पर निकलने से पहले थॉर ने लिव से बात की और कहा कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है, पर उन दोनों की ठीक से बात नहीं हो पाई। 28 अप्रैल 1947 को सफर की शुरुआत हुई, पर यह कोई नहीं जानता था कि बचपन में हुए हादसे की वजह से थॉर को पानी से डर लगता है। थॉर की टीम वही कर रही थी जो टिकी ने किया था, और वो लोग सिर्फ उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे जो टिकी के दौर में इस्तेमाल की जाती होगी। 100 दिनों के सफर में पहले ही दिन नूट बीमार होने लगा, पर इस बात को मजाक में उड़ा दिया गया। राफ्ट पर एरिक इकलौता था जो पहले भी नाव पर सफर कर चुका है, और जब वो दूसरों को डिटेल में बताने लगा कि पानी में डूबना कैसा होता है, तो उसकी बातों से हरमन डरने लगा। दूसरी रात अचानक राफ्ट तूफान के बीच फंसने लगी और अपनी जान बचाने के लिए वो सब अपने आप को राफ्ट से बांधने लगे, पर इस बीच थॉर पानी में गिर गया और किसी तरह हरमन और एरिक ने उसकी जान बचा ली। अगली सुबह अपनी राफ्ट ठीक करते हुए एरिक ने थॉर को बताया कि तूफान की वजह से वो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, और अगर वो उसी दिशा में चलते रहे तो वो बेहद खतरनाक तूफान में फंस सकते हैं।
थॉर का कहना था कि उन्हें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, पर बेंट ने उसे उस जानलेवा तूफान के बारे में बताया, जिसके बाद वो सब रेडियो चलाने की कोशिश करने लगे। नूट अपने साथ एक पोपट लाया था, जिसकी वजह से रेडियो बंद हो गया। पर नूट ने उस पोपट को अपने से दूर नहीं किया। अगले दिन उन सबको राफ्ट के पास एक वेल नजर आई। थॉर उसे देखकर सिर्फ उसे कैमरा में कैद करने के बारे में सोचने लगा, पर हरमन को डर था कि वो वेल उनके राफ्ट को पलट सकती है। अचानक उस वेल से सबको डर लगने लगा और डर के मारे हरमन ने वेल पर हमला कर दिया। ऐसा करने से वो वेल राफ्ट को अपने साथ खींचने लगी, पर सही वक्त पर उन लोगों की जान बच गई। नूट पहले तो हरमन से नाराज हुआ, पर थॉर ने उसे समझाकर शांत किया। हरमन जानता था कि राफ्ट की लकड़ियां गलती जा रही है, पर उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही थी और वो आपस में बहस भी करने लगे थे। और फिर एक रात उन सब ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा देखा। जिंदा रहने के लिए उन्हें खाने की जरूरत थी और इसी जरूरत के चलते बेंट मछलियां पकड़ने गया। पर जब एक शार्क की वजह से उसे वापस ऊपर आना पड़ा तो सबको वो दिखाई दिया जो हरमन को दिखा था। राफ्ट की लकड़ियां और गलने लगी थी और क्योंकि वो लोग गलत रास्ते पर थे, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इस बात को छुपाने की वजह से थॉर हरमन से नाराज हो गया और जल्द से जल्द वो सब रेडियो के जरिए अमेरिका तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों बाद थॉर अपनी राफ्ट का वीडियो लेते हुए राफ्ट से दूर गया और अचानक वहां एक शार्क आ पहुंची। बेंट अमेरिकन्स का दिया हुआ वो पाउडर पानी में फेंकने लगा, जिससे शार्क्स दूर जाते हैं। पर तब उन्हें पता चला कि वो सूप का पाउडर है और उन लोगों ने सूप समझकर जो पाउडर खाया था वो असल में शार्क का पाउडर था। उस दिन अचानक नूट का पोपट पानी में गिर गया और शार्क के वहां होने की वजह से नूट ने हमेशा के लिए अपने साथी को खो दिया। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उसने उसी शार्क को पकड़ लिया और उस शार्क को मारने में उसकी मदद टॉरस्टेन ने की। वो ये नहीं जानते थे कि उसी शार्क के खून को सूंघकर दूसरे शार्क्स वहां आ पहुंचेंगे और अब वो राफ्ट शार्क्स के बीच में फंस गया था। हरमन चाहता था कि राफ्ट को मजबूत किया जाए और वो भीख मांगने लगा, पर थॉर इस अभियान को अपना धर्म मानने लगा था, इसलिए वो इस राफ्ट को वैसा ही रहने देना चाहता था जैसा टिकी का राफ्ट था। हार मानकर हरमन जब वहां से जाने लगा तो उसका पैर फिसला और वो शार्क्स के बीच जा गिरा। बाकी के लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगे और इस कोशिश में नूट पानी में कूदकर हरमन को बचाकर राफ्ट पर ले आया। थॉर को अब पछतावा होने लगा था क्योंकि उसकी जिद की वजह से उसके साथियों की जान जाने वाली थी और एक कैप्टन होने के बावजूद वो अपने लोगों को बचा नहीं पाता। जब उसने बताया कि वो तैर नहीं सकता तो हरमन ने कहा कि वो सब ये बात पहले से ही जानते थे। दिन बीतते गए और राफ्ट को बचाने की कोशिश की जाने लगी और एक दिन एरिक ने बताया कि वो लोग सही रास्ते पर आ पहुंचे हैं। वो सब इस बात की खुशी मनाने लगे और थॉर की खोई हुई उम्मीद लौट आई। रेडियो के जरिए थॉर ने बताया कि वो लोग तूफान से बचने में कामयाब हुए और अब वो अपनी मंजिल के करीब है। धीरे धीरे दुनिया को पता चलने लगा कि थॉर की थियरी सही साबित हुई और साउथ अमेरिकन सचमुच पॉलिनेशिया में आए थे। थॉर की टीम समझ गई कि शायद कुदरत ने उन्हें अपना लिया है और इसलिए वो इस महासागर का हिस्सा बन चुके हैं। सफर के 100 दिन पूरे हुए पर अब भी राफ्ट जमीन की तलाश में थी और फिर एक सुबह उन सबको एक चिड़िया नजर आई, जिसका मतलब ये था कि जमीन उनके आसपास ही है। 5000 मील का ये सफर आखिरकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, मगर अब भी उनके और आइलैंड के बीच अंडर वाटर रेजर ब्लेड्स आने वाले थे। उसे पार करने के लिए हरमन ने एक सुझाव दिया और जल्द से जल्द सारे साथी उस रुकावट को पार करने की तैयारी करने लगे। हरमन के सुझाव के मुताबिक वो लोग एक बड़ी लहर का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो लहर उनके पास आएगी वो हवा के बहाव की मदद से लहर के साथ राफ्ट को ब्लेड्स के ऊपर से उछालेंगे। अपने डर को दूर करके वो लोग लहर के साथ उछल तो गए, पर अब भी उन्होंने रुकावट पार नहीं की थी। अचानक एक ऐसी लहर आई जिसने राफ्ट को धकेल कर उन्हें डुबा दिया, पर डूबते हुए थॉर के बचपन का डर हमेशा के लिए खत्म हुआ और जल्द ही उसने जमीन ढूंढ ली। टूटा हुआ वो राफ्ट रेजर ब्लेड्स के पार आने में कामयाब हुआ और 101 दिन के इस खतरनाक सफर का आखिरकार अंत हुआ। थॉर और उसके साथी सही सलामत पॉलिनेशिया पहुंच गए और थॉर की जिद और उसकी भक्ति की जीत हुई। जो बात दुनिया को नामुमकिन लग रही थी वो मुमकिन साबित हुई और सूरज का पीछा कर थॉर अपने पूर्वजों के अतीत को जानने में भी कामयाब हुआ।
बेंट को पॉलिनेशिया से प्यार हो गया और उसने वही अपनी दुनिया बसा ली। एरिक को उस राफ्ट से इतना प्यार हुआ कि उसने खुद की एक सेल बोट बनाई जिस पर वो 11 सालों तक जिया। टॉरस्टेन ने कभी एडवेंचर्स नहीं छोड़े और नॉर्थ पोल तक जाने के अपने एडवेंचर में ही 1964 में उसकी मौत हुई। नूट फिर से मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करने लगा और उसने कॉन्टिकी म्यूजियम को बनाने में मदद भी की। हरमन यूनाइटेड नेशंस का मिनिस्टर बन गया और उसने महासागर के बारे में काफी रिसर्च किया। थोर को अपनी बनाई डॉक्यूमेंट्री के लिए एकेडमी अवार्ड मिला और उसने नई पीढ़ी के एडवेंचरर्स को वर्ल्ड वॉर के बाद प्रेरित किया और 87 की उम्र तक साइंस और एक्सप्लोरेशन के जरिए दुनिया बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए ही थोर की मौत हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।